नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सॉल्यूशन ऑफ इंग्लिश में। वैसे मैं आज की इस वीडियो में जो मेरा एक बना बनाया हुआ फॉर्मेट है, प्रारूप है, उससे थोड़ा अलग हटकर बात करने वाला हूँ। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आज ही झारखंड सरकार द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या 13/2023 की, जिसमें बात है हमारे झारखंड राज्य से जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास अभ्यर्थी हैं उनके रिक्रूटमेंट की, उनकी बहाली प्रक्रिया की। सरकार ने 135 पृष्ठ का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और सामान्यतः यह देखा जाता है कि 135 पृष्ठ जैसे एक लंबे फाइल को सबके लिए अध्ययन करना आसान नहीं होता और सब लोगों की यह इच्छा रहती है कि सामान्य सी बातों की जानकारी सरलता से उपलब्ध हो जाए तो अच्छा होता। इसी बात को ध्यान में रखकर मैंने प्रयास किया है कि आप सबके लिए जो सामान्य सी बातें हो सकती है इस बहाली से जुड़ी हुई, उसको मैं सम अप करके लाया हूँ। तो जैसा मैं बताया कि यह विज्ञापन संख्या 13/2023 है और इसका नाम दिया गया है, हिंदी में बात करें तो, झारखंड प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023, इंग्लिश में बोलेंगे तो झारखंड ट्रेंड प्राइमरी टीचर कॉमन कॉम्पिटिशन एग्जाम, शॉर्ट में अगर बात करें तो JTPTCCE 2023। इस आवेदन का जो प्रक्रिया है वह आप प्रारंभ कर सकते हैं, जो इसका वेबसाइट है www.jssc.nic.in पर, दिनांक 9 सितंबर सॉरी दिनांक इसका शुरू कर सकते हैं आप 8 अगस्त 2023 से, और आवेदन समाप्ति की तिथि है 7 सितंबर 2023 की मध्यरात्रि तक। आप अपना फोटो सिग्नेचर या फिर प्रिंट लेने की जो प्रक्रिया है उसको 11 सितंबर 2023 तक कर सकते हैं। करेक्शन के लिए आपको 2 दिन का समय मिलेगा, 13 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक। और अगर एग्ज़ाम फी की बात करें हम, तो 100 रुपया फी रखा गया है, बहुत ही कम शुल्क रखा गया है झारखंड के विद्यार्थियों को ध्यान में रख करके। और अगर आप SC या ST से आते हैं, अनुसूचित जाति या जनजाति से हैं, तो केवल 50 रुपया आपको शुल्क लगेंगे। और यदि आप दिव्यांग हैं और 40% दिव्यांगता का आपके पास प्रमाण पत्र है, तो आपका पूर्णतः निःशुल्क है, अर्थात एग्जाम फी आपको माफ कर दिया गया है। उम्र सीमा की अगर हम बात करें, जो एक बहुत आवश्यक फैक्टर होता है, तो न्यूनतम आपका उम्र है 21 वर्ष, अर्थात आप न्यूनतम 21 वर्ष के होने चाहिए। अधिकतम आपकी उम्र 40 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप OBC अर्थात पिछड़ा वर्ग से हैं, तो 2 वर्ष का अतिरिक्त छूट, उम्र में छूट का लाभ मिलते हुए आपकी उम्र सीमा 42 वर्ष की है। अगर आप पिछड़ा वर्ग महिला में हैं, अर्थात OBC में आप कोई महिला हैं, तो 1 वर्ष का और अतिरिक्त लाभ मिल करके आपकी उम्र सीमा 43 वर्ष है। अगर आप अनुसूचित जाति या जनजाति में से हैं, तो 45 वर्ष तक आपकी उम्र सीमा है। और अगर 40% दिव्यांगता के साथ आप प्रमाण पत्र जमा करते हैं, तो 5 वर्ष की अतिरिक्त, मतलब आप किसी भी वर्ग में हैं, उसका जो निर्धारित आयु सीमा है, उसमें 5 वर्ष की और अधिक छूट आपको मिल जाती है। यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं, तो भी आपको 5 वर्ष का आयु की और अतिरिक्त छूट वाली लाभ मिल जाती है। तो इस तरह हम लोगों ने उम्र की बात कर लिया और अब हम लोग बात करते हैं, लेकिन एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि जो हमारे सहायक अध्यापक हैं, पैरा टीचर्स, उनके लिए कुछ शर्तों के साथ उम्र सीमा 58 वर्ष है। लेकिन इसको समझने की ज़रूरत है। इसमें शर्त है कि यदि आपकी सेवा, यदि आप सहायक अध्यापक हैं और आपकी सेवा न्यूनतम एवं लगातार, न्यूनतम एवं लगातार की बात की गई है, वो 2 वर्ष का होना चाहिए, एवं विज्ञापन प्रकाशन की तिथि अर्थात आज 19 जुलाई को आप कार्यरत हों, अर्थात आप छोड़ नहीं दिए हों पारा टीचर की नौकरी, आप और संविदा कर्मी के रूप में आपका कार्य करने की जितना अवधि है, उतने अवधि के बराबर तक आपकी उम्र सीमा में छूट मिलेगी। आप इसको यूँ समझिए कि अगर आपने 10 वर्ष की नौकरी लगातार कर लिया है पारा टीचर के रूप में, तो जो न्यूनतम आयु सीमा है, फॉर एग्जाम्पल्स अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, तो 40 वर्ष की जो न्यूनतम सीमा है, तो और अगर आपने 10 वर्ष की नौकरी कर ली है पारा टीचर के तौर पर लगातार बिना कोई ब्रेक का,
तो 10 वर्ष आपको और छूट मिल जाएंगे, यानी 50 वर्ष तक आपकी आयु सीमा हो जाएगी। अगर आपने 15 साल की कर लिया है तो समझिए 55 वर्ष तक की उम्र सीमा हो जाएगी। और इस तरह से अधिकतम 58 वर्ष रखा गया है, अर्थात अगर किसी की 18 वर्ष की उम्र सीमा है, मतलब उम्र 18 साल की किसी की अगर सेवा है संविदा कर्मी के तौर पर एज ए पैरा टीचर, तो वह 58 वर्ष तक की आयु में होकर भी इस आवेदन में भाग ले सकता है, आवेदन प्रक्रिया में अपने आप को सम्मिलित कर सकता है। यह है इसका। सिलेबस की बात करें, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और एग्जाम पैटर्न की बात कर लें हम लोग, तो क्या है इसमें सो हमको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता की बात करें, तो अगर आप इंटरमीडिएट प्रशिक्षित टीचर बनने जा रहे हैं, जिसका नया नाम दे दिया गया है इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य, अगर आप ट्रेंड ग्रेजुएट हैं, टीजीटी जो पहले कहा जाता था उसका नया नाम दिया है सरकार ने इस बहाली में, स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य आचार्य दिया है। तो कक्षा 1 से 5 के अगर आप बन रहे हैं तो आपकी योग्यता होनी चाहिए, इंटरमीडिएट आप 50% अंक के साथ उत्तीर्ण हो चुके हों, आप प्रशिक्षित हों, ट्रेंड हों, और वेरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप झारखंड टेट अर्थात जे टेट पास हुए हों। स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य बनने के लिए, जिसमें कक्षा 6 से 8 के लिए आपको शिक्षक बनाया जाएगा, उसके लिए भी आवश्यक है कि आप जिस विषय में आवेदन कर रहे हैं उस विषय में, अर्थात जो आपका ग्रेजुएशन में ऑनर्स का विषय रहा है, उसमें 50% अंक के साथ आप उत्तीर्ण हुए हों, प्लस आप प्रशिक्षित हों, और साथ ही आप झारखंड टेट भी उत्तीर्ण हो चुके हों। एग्जाम पैटर्न क्या होगा? एग्जाम पैटर्न इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए जो होगा वह 3 पत्र की होगा, अर्थात 3 पेपर्स होंगे, 3 सीटिंग्स में होंगे, 3 पत्र 3 पाली होगी। यानी पहला पत्र जो होगा वह मातृभाषा का होगा, जो आपके चयन के आधार पर होगा, अर्थात आप जिसे चुनेंगे, यह 100 प्रश्नों का होगा और 100 अंक का होगा, अर्थात एक प्रश्न 1 अंक का होगा। आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, और यह जो पेपर होगा वो अर्हक होगा अर्थात क्वालिफाइंग होगा, केवल इसमें आपको 30% अंक लाना होगा। अगर आपने 30% अंक से कम लाया है तो आगे की अन्य जो पेपर्स हैं उनकी कापियां आपकी इवेलेट अर्थात मूल्यांकन नहीं की जाएंगी, जांची नहीं जाएंगी, सॉरी और जो पेपर्स होंगे उनकी कॉपियां जांची ही नहीं जाएंगी, इसलिए इसमें आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। हाँ एक बात और आप समझने कि अगर आप इसमें 30% से अधिक, आप उदाहरण के लिए ले सकते हैं कि अगर आप 90% अंक ले आते हैं, 100 में आप 90 अंक भी ले आते हैं, तब भी यह अंक मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा। लेकिन आप 30% से अधिक कम अंक लाते हैं तो यह आपको आगे की परीक्षा प्रक्रिया से समझिए कि एक तरह से आपका व्यर्थ कर देगा, आपका जो सेकेंड पेपर है थर्ड पेपर है उसमें आपने बहुत अच्छा भी मार्क्स लाया है तो उसका जो वैल्यू है उसका जो मूल्य है उसको शून्य कर देगा, वह कोई काम का नहीं रह जाएगा। आपका दूसरा जो पत्र होगा वो कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड रांची द्वारा अधिसूचित जो भाषाएं हैं उसमें से कोई एक भाषा जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उड़िया, बंगाली हो, मुंडारी इत्यादि जो भाषाएं हैं उसमें से कोई एक होगा, और इसमें भी 100 प्रश्न होगा, 100 अंक के लिए होगा, यानी प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के लिए होगा, 2 घंटे का समय मिलेगा, और इसका जो सिलेबस है वो आपको नोटिफिकेशन के परिशिष्ट 12 में दिया गया है, हम यहाँ सिलेबस को डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते हैं समय अभाव के कारण। पत्र 3 जो होगा इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, पत्र 3 में 3 भाग होगा, यानी थर्ड पेपर जबकि परीक्षा जब आप दे रहे होंगे तो आपका जो प्रश्न होगा वह 3 भागों में बटा होगा, और पहला जो भाग होगा वो सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक विषय से होगा, इससे 50 प्रश्न पूछे जाएंगे 50 अंकों के लिए। दूसरा होगा सामाजिक विज्ञान भाग से होगा, 75 प्रश्न होंगे 75 अंकों के लिए, एवं विज्ञान एवं गणित से भी होगा 75 प्रश्न एवं 75 अंकों के लिए। यह कुल 200 अंकों की पत्र होगा, 200 अंकों का, और इसमें 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। इसका अगर सिलेबस की बात करें तो सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक में आपको सामान्य अध्ययन पढ़ना पड़ेगा, सामान्य विज्ञान का भी अध्ययन करना होगा, सामान्य गणित का भी, मानसिक क्षमता जांच की
की भी परीक्षा होगी और कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, झारखंड राज्य से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। सामाजिक विज्ञान एवं गणित के सिलेबस की जहां तक बात है तो यह आधारित होगा आपका जैक द्वारा जो अभी कक्षा 1 से 12 तक का सिलेबस है उस पर आधारित होगा, और परीक्षा की जो कठिनाई स्तर होगी वह इंटरमीडिएट अथवा प्लस टू स्तर जिसको हम लोग कहते हैं उसके स्तर का होगा। लेकिन गौर करने वाली बात ये है, और एक यह थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यह सिलेबस किस सोच के साथ बनाया गया है कि एक विज्ञान पढ़ने वाला विद्यार्थी को भी सामाजिक विज्ञान का जानकारी रखना होगा कक्षा 12 तक का स्तर का, और अगर आप सामाजिक विज्ञान विषय से हैं तो आप सोच सकते हैं कि आपके लिए कितनी कठिनाई है कि आप कक्षा 12 तक के गणित एवं विज्ञान विषय का जानकारी रखेंगे जैसा कि सिलेबस कह रहा है। अब हम बात करते हैं जो हमारे स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य होने वाले अभ्यर्थी हैं उनका सिलेबस क्या है। तो भैया आपके लिए 4 पेपर होंगे, 4 पालियों में होंगे, 4 पेपर, 4 पाली। पहला जो पेपर होगा वो बिल्कुल मातृभाषा का होगा जैसा इंटरमीडिएट वालों के लिए होगा, बिल्कुल उसी तरह का होगा, और यह आपके लिए उसी तरह से क्वालिफाइंग होगा। 30% अंक के साथ 100 प्रश्न होंगे, 100 अंक होंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा, 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। उससे आप बहुत अधिक लाते हैं तो भी आपका मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेगा, लेकिन अगर 30% से कम लाते हैं तो आप फेल हो जाते हैं। पेपर 2 जो होगा वो झारखंड राज्य की जो अधिसूचित भाषाएँ हैं उसमें से कोई एक जिसका चयन आप किए होंगे उसमें से होगा, और उसमें जो भी भाषा का आप चयन करेंगे जैसे अगर आपने अंग्रेजी किया है अथवा हिंदी किया है तो उसका सिलेबस आपको इसका परिशिष्ट 13 में, नोटिफिकेशन के परिशिष्ट 13 में दिया गया है। मैं यहाँ आपको बता दूं कि अंग्रेजी के सिलेबस के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा आपके मदद के लिए। इसमें भी 100 प्रश्न 100 अंक के लिए पूछे जाएंगे, 2 घंटे का समय होगा। पेपर 3 जो होगा वो सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक का होगा, और इसका जो सिलेबस होगा वो बिल्कुल वही होगा जो पत्र 3 इंटरमीडिएट के लिए सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक का होगा, जिसमें सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, सामान्य गणित, मानसिक क्षमता जांच, कंप्यूटर का मूलभूत जानकारी, झारखंड राज्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। पेपर 4 में आप अगर गणित एवं विज्ञान शिक्षक हैं तो आपके प्रश्न पत्र में 5 खंडों से प्रश्न होंगे, जिसमें आपका मैथ का होगा, फिजिक्स का एक पेपर होगा, एक बॉटनी का होगा, एक केमिस्ट्री का होगा, एक जूलॉजी का होगा। 5 सेक्शंस होंगे आपके एक क्वेश्चन पेपर में, लेकिन यू हैव टू सेलेक्ट ओनली 3, केवल 3 खंडों को आपको चयन करना है, जिसका भी आप 3 खंड आपको उत्तर देने का मन है दीजिए। प्रत्येक खंड में आपको 60 मतलब प्रश्न रहेंगे, है ना, जिसमें 3 ही आपको करना है, तो 60 × 3 करना है आपको, अर्थात 180 क्वेश्चंस करना है, और इसमें 33% अंक लाना अनिवार्य है। ध्यान दीजिएगा, 33% अंक लाने की अनिवार्य की जब बात है तो इसका मतलब ये हुआ कि सपोज दैट कि आपने 180 मार्क्स में 33% से कम अर्थात 32% आप अंक लाते हैं तो यह आपका बिल्कुल व्यर्थ हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा, यह मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा। 33% या उससे अधिक जब अंक होगा तभी वह मेरिट लिस्ट में जुड़ेगा, उससे कम वाला अंक नहीं जुड़ेगा। उसी तरह पेपर 4 जो होगा, अगर आप सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बनने वाले हैं तो उसमें भी 5 खंड होंगे, जिसमें आपका हिस्ट्री का सेक्शन होगा, पॉलिटिकल साइंस का एक सेक्शन होगा, एक जियोग्राफी का सेक्शन होगा, एक इकोनॉमिक्स का होगा, और एक बिजनेस स्टडी व्यापार अध्ययन का होगा। इसमें से भी कोई एनी 3 सेलेक्ट करना है आपको अकॉर्डिंग टू योर ऑन इंटरेस्ट, अकॉर्डिंग टू योर ऑन नॉलेज, अपने ज्ञान और बाकी सहूलियत के हिसाब से आपको चयन करना है। इसमें भी 3 घंटे का समय मिलेगा, और इस सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए भी विज्ञान शिक्षक की तरह 33% अंक लाना पेपर 4 में अनिवार्य होगा। अगर आप 33% से कम अंक लाते हैं दैट विल बी नॉट इंक्लूडेड इन टू योर मेरिट लिस्ट। तीसरा है भाषा शिक्षक के लिए, और भाषा शिक्षक वाले बड़ा गौर से सुनेंगे इस बात को कि आपकी भी परीक्षा 180 अंक की ली जाएगी, 180 मार्क्स की आपकी भी परीक्षा ली जाएगी, लेकिन आपका जो सिलेबस है उसमें खास बात ये है कि चाहे आप कोई भी भाषा का चयन किए हों, जैसे अगर आप हिंदी शिक्षक बनने जा रहे हैं तब भी 50% अंक अर्थात
180 अंक का आधा यानी 90 प्रश्न आपको अंग्रेजी से ही पूछे जाएंगे और 90 अंक का जो प्रश्न होगा अर्थात 90 प्रश्न जो होंगे 90 क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके अपने सेलेक्टेड लैंग्वेज अर्थात अगर आपने हिंदी चुना है तो हिंदी से या फिर कोई अन्य भाषा आपने चुना है तो उसका होगा। इसका भी जो सिलेबस है यानी पेपर 4 का भाषा शिक्षक के लिए जो सिलेबस है वो आपका परिशिष्ट 13 में दिया गया है। सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों के लिए जो सिलेबस है वो परिशिष्ट 14 में दिया गया है। इस तरह से आप सभी सिलेबस को डिटेल से देखेंगे। मैंने अपने स्तर से प्रयास किया है कि चीज़ों को मैं अच्छी तरह से समझ के आपको समझाऊं, लेकिन मैं बहुत विनम्रता से ये स्वीकार करता हूं कि भूल होने की पूरी जगह है, पूरी गुंजाइश है, क्योंकि नोटिफिकेशन जैसे कुछ चीज़ों को समझ लेना बहुत सरल नहीं होता है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप स्वयं भी इसको समझें और पढ़ें, तभी उस पर अमल करें। और अगर मैंने आपका कुछ मदद किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा मेरा भी मदद कर सकते हैं। इस उम्मीद के साथ धन्यवाद।